बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज अबाउट मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, एंड दिस इज आवर यूनिट नंबर लेसन नंबर 2। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द SLO, यूज स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, इंक्लूडिंग एब्रीविएशन। ये हम लोग यूज करेंगे। यहां पर इस SLO के अंदर हमारे पास 3 मीट्रिक यूनिट्स हैं, जिसमें से आज के लेसन में हम लोग जस्ट सेंटीमीटर को डिस्कस करेंगे। फर्दर जो मीटर और किलोमीटर है, हम लोग नेक्स्ट 2 लेसन में डिस्कस करेंगे। लेंथ के लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं। तो टीचर्स, अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, चेक करें, नेम आर स्टैंडर्ड एंड आर नॉन स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट। हर स्टूडेंट ने करना क्या है, अपनी नोटबुक के ऊपर एक स्टैंडर्ड यूनिट राइट करना है लेंथ का। लेंथ का आपको पता है क्या है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी देखा था और प्रीवियस ग्रेड में भी हमने देखा था कि लेंथ किसे कहते हैं, लेंथ होती क्या है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ये कितना लॉन्ग है, तो वो जो चीज है या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या होता है या 2 कॉर्नर, वो किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज की लेंथ कहलाती है। सो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट में देखा था स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को। हर स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर एक स्टैंडर्ड यूनिट राइट करना है और एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट राइट करना है, और उसके बाद आपके टीचर को चेक करवाना है। एंड देन विच पॉसिबल यूनिट्स कैन बी यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग में, हम लोग कौन सा पॉसिबल यूनिट यूज कर सकते हैं, या आप लोग अपने रूम में जो चीजें पड़ी हैं उनको ऑब्जर्व करें और देखें कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जा सकता है, पॉसिबल यूनिट, मेजरिंग यूनिट। सो जैसा कि टेबल है, टेबल को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा यूज करेंगे और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा यूज करेंगे। तो अब आ जाएं नेक्स्ट टुडे पॉइंट्स, की पॉइंट्स की तरफ या कीवर्ड्स की तरफ चलते हैं। मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, इसमें इनमें से हम लोग आज सेंटीमीटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटीमीटर मोस्टली प्रिंटेड ऑन अ लॉन्ग स्केल। जो स्केल्स होते हैं जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में गिवन है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में दिखाया भी था, इस तरह का जो स्केल है, ये वाला जो स्केल है, ये स्केल जो है ये आपके बैग में भी पड़ा होता है और आपके इस ज्योमेट्री बॉक्स में भी पड़ा होता है, और इसके ऊपर जो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर यूनिट्स लिखे होते हैं वो यूनिट्स सेंटीमीटर होते हैं। अब नेक्स्ट शीट के ऊपर जाकर जरा देखें, ऑब्जर्व करें, ये क्रियोन का पैकेट है और हर क्रियोन की लेंथ क्या है। You can use your scale to measure the length of a crayon. So, centimeter, Umar is measuring the length of a crayon. ये जो crayon हैं, इनकी length क्या है? अब जैसा कि आपके geometry box में scale पड़ा हुआ है, अब इसी तरह ये जो short distance के ऊपर numbers लिखे हुए हैं, ये centimeter के हैं, तो ये 10 centimeter जो है, उमर का जो एक क्रियोन है उसकी लेंथ है। तो स्टूडेंट्स देखें, सेंटीमीटर है क्या, ये स्केल होता है आपका, और स्केल के जो ऊपर जिस तरह नंबर्स राइट किए हुए हैं, यहां से 0 0 से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोग अपने जो क्रियोन हैं या अपने जो आपके पास स्केल हैं उनके ऊपर उनको ऑब्जर्व करें और देखें और इसके साथ मैच करें, क्या इसी तरह आपके जो स्केल हैं उनके ऊपर मेजरमेंट राइट की हुई है या यूनिट्स राइट किया हुआ है सेंटीमीटर का। और
इसके अंदर जीरो से लेकर वन तक या वन से लेकर टू तक आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, और हर जो आपके पास एक सेंटीमीटर है उसके उसके अंदर कितनी है, 10 लाइंस होंगी, 10 लाइंस होंगी। इसका मतलब है जो शॉर्ट सेंटीमीटर से भी शॉर्ट कोई यूनिट होता है जिसको हम लोग मिलीमीटर मीटर कहते हैं, तो जो कि हम लोग यहां पर इस ग्रेड में यूज नहीं करेंगे, यहां पर मैक्सिमम हम लोग सेंटीमीटर को यूज करेंगे, और जो आपने लेंथ मेजर करनी है वो सेंटीमीटर में करनी है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल में क्या है, राबिया इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेपर क्लिप। ये तो राबिया मेजर कर रही है, आपने क्या करना है, आपने आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी पेपर क्लिप्स या आपके पास होंगी, तो आपने उस पेपर क्लिप की लेंथ मेजर करनी है और फिर टैली करना है कि आपके पेपर क्लिप की लेंथ कितनी है और इस पेपर क्लिप की लेंथ कितनी है, जैसा कि राबिया जो है, राबिया ने जो मेजर किया है और उसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपने अपनी पेपर क्लिप की लेंथ मेजर करनी है और अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर देनी है। तो ये आपके पास टास्क शीट है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इस टास्क शीट को कंप्लीट करना है, आपकी टीचर आपको ये प्रोवाइड कर देंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड करके। और अब यहां पर एक स्केल गिवन है हर पार्ट में और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है छोटा, और ऑब्जेक्ट को देखें, ऑब्जर्व करें और स्केल को मेजर करें, स्केल को ऑब्जर्व करें, दोनों में देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग का जो इसके जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग और स्केल का नंबर कौन सा है। जैसा कि इसका 9 है तो यहां पर आप मैंने 9 राइट कर दिया। इसी तरह फर्दर आपने हर ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जर्व करना है और स्केल कॉरस्पॉन्डिंग स्केल के नंबर देखने हैं। जैसा कि ये मैंने लीफ को देखा और फिर इधर दूसरी साइड को देखा, पहला जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर 0 पे है और दूसरी जो साइड है वो 5 के ऊपर है, सो इट्स मेजरमेंट इज 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप लोगों ने बाकी सारे पार्ट खुद कंप्लीट करने हैं क्लास में और फिर यही शीट जो है वर्कशीट आपकी टीचर को प्रोवाइड कर देनी है। अब यहां पर क्या करना है, सबमिट करनी है। और एक चीज देखिए, यहां पर मैंने CM राइट किया हुआ है, इस CM का मतलब क्या है, ये एब्रीवेशन है सेंटीमीटर के लिए, हम इतना नंबर राइट करने के बजाय मीटर राइट करने के बजाय जस्ट CM राइट कर देते हैं, तो इसका मतलब है सेंटीमीटर। तो आपने जब भी लेंथ मेजर करनी है तो उसके आगे जो है यूनिट राइट करना है CM, तो CM मींस सेंटीमीटर। तो अब आ जाए पोस्ट असेसमेंट की तरफ या रैप अप की तरफ, आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की, हमारा जो आज का SLO था वो अबाउट सेंटीमीटर था, सो सेंटीमीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ, एंड देन ये चीज हमने लर्न की, लेंथ कैन बी मेजर बाय अदर मींस। अदर मींस क्या है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताए थे, और जैसा कि हैंड है, आर्म है, पेंसिल है या थ्रेड है, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, और फिर अदर मींस जो है वो यूज करते हैं, और इसके लिए हम लोग सेंटीमीटर के लिए स्केल वगैरह यूज करते हैं और उसका जो एब्रीवेशन है CM सेंटीमीटर का, ये चीजें हमने आज के लेसन में लर्न की और इनको अंडरस्टैंड किया। तो स्टूडेंट्स होमवर्क की तरफ आ जाएं, होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में गिवन है और इसको कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करना है। क्या है, मेजर द फॉलोइंग लेंथ एंड विड्थ एंड फिल द स्पेस प्रोवाइडेड, लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम विड्थ ऑफ अ फ्लोर ऑफ द रूम। आपके घर में जो आपका कमरा है उसका जो फ्लोर है उसकी आपने लेंथ मेजर करनी है और उसकी विड्थ मेजर करनी है बाय यूजिंग योर स्केल, सो उसको आपने फिर सेंटीमीटर में राइट कर देना है, मीटर और सेंटीमीटर, बट आपने यहां पर इस होमवर्क में जस्ट सेंटीमीटर में राइट करना है।
सेंटीमीटर स्केल को यूज करते हुए। और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 4A ऑफ पेज नंबर 84, ये क्वेश्चंस भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने के बाद टीचर को सबमिट करने हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर से रिलेटेड है, एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, आई होप के आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।